हथियारों के अवैध निर्माण और तस्करी के लिए देशभर में कुख्यात महाराष्ट्र के सीमावर्ती उमरटी गांव में पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी है। वरला पुलिस के साथ बड़वानी की स्पेशल टीम ने दबिश देकर 9 अवैध हथियारों और 250 नग कारतूस के साथ एक सिकलीगर की गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के इस एक्शन से अवैध हथियारों के देशभर में फैले सिकलीगरों के नेटवर्क की कमर टूट गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सिख लीगरों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास योजना के प्रयास भी कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में अवैध हथियारों के जखीरे का प्रदर्शन करते हुए एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी गुरुदयाल बरनाला के घर की तलाशी ली तो पुलिस को देसी पिस्तौल, रिवॉल्वर, देशी कट्टा और 250 नग कारतूस मिले हैं। आरोपी ने यूपी के आरोपी को हथियार देकर उससे कारतूस लिए थे। गांव है, वहाँ पर मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उससे 9 नग अवैध हथियार और 256 नग अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं और पूरा हथियार बनाने की एक फैक्ट्री बरामद की गई है। और इसमें जो अन्य राज्यों के जो तार मिले हैं उसके संबंध में विवेचना की जा रही है और आगे भी हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। अवैध हथियार का काफ़ी चलन है और ये सब कहीं ना कहीं उसी गाँव के आसपास से आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे